उसके लिए आप क्या कहेंगे, कितनी खुश हैं और कितनी औरतों के लिए मसले मसाइल हैं जब, और कितनी चोटियाँ आपने सर की, इस पर भी थोड़ा सा हमें बता दें। मैंने दुनिया में 8,000 मीटर से बुलंद 14 चोटियाँ हैं, उनमें से 5 पाकिस्तान में हैं, जो मैं पाकिस्तान की पहली फीमेल हूँ जिसने वो सारी की हैं, और ओवरऑल मैंने 8 की हैं, 3 जो नेपाल में इंक्लूडिंग एवरेस्ट, और मैं पाकिस्तान की फास्टेस्ट पर्सन हूँ आउट ऑफ मेल एंड फीमेल जिसने ये सब 2 साल में किया है। मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया है सितारा इम्तियाज़ देने का, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इस एज में ये अवार्ड मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। और औरतों के लिए कितने इश्यूज हैं? औरतों के लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं हमारे, एक तो माउंटेनियरिंग है भी दुनिया का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक स्पोर्ट, लेकिन एज अ फीमेल लोगों को अपनी काबिलियत का एतमाद दिलाना वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी भी मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जो मुझे पसंद नहीं हैं, लेकिन वो बर्दाश्त करके हमें ज़्यादा, मतलब जो मर्दों को मुश्किल हैं उनसे हमें शायद 1.5 गुना ज़्यादा मुश्किल हैं। मैम आप पिंडी से हैं और आपने गिलगित का सफ़र किया, कैसा लगा? पिंडी से मैंने मतलब जो पहाड़ है ना, वो इवन जीबी के भी कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत मुश्किल काम है, तो किसी ने भी इंक्लूडिंग मी ये अपने उनके घर में गुमान में भी नहीं था कि कोई पिंडी से आके गिलगित बल्तिस्तान के नेपाल के बुलंद तरीन दुनिया के पहाड़ समिट करेगी, तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ मैडम। ये बता दें, जिस तरह ख्वातीन के बारे में एक आम तासुर है कि सनफ नाजुक होती हैं, तो केटू जैसा पहाड़ जहाँ पर एक तरफ मौत भी आपको पता है कि बर्फ़ है, फिसलने के खतरात हैं, और फिर जिस तरह बुटलनेक जैसे मकामात हैं, उन तमाम का आपका तजुर्बा कैसा रहा और जो ख्वातीन उनको क्या मैसेज देंगी? ख़वातीन को मैं ये मैसेज दूंगी कि कोई भी काम दुनिया का मुश्किल नहीं है। हमारे माशरे की ख़वातीन हमारे, क्योंकि मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि हम हिम्मत हार जाते हैं, तो मैं ये बोलूँगी हिम्मत मत हारें, क्योंकि अगर मैं, मेरे जैसी लड़की पिंडी से उठ के, मेरी 2 छोटी बेटियां भी हैं, मैं माँ भी हूँ, बीवी भी हूँ, करियर वुमन भी हूँ, अगर मैं सब कुछ ये कर सकती हूँ, केटू जैसे पहाड़, माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ सर कर सकती हूँ, तो कोई भी पाकिस्तान की कोई भी खातून ये सब कुछ कर सकती हैं, या वो कोई भी काम कर सकती है जो वो करना चाहे। अच्छा मैम, आप ये बताइएगा कि आपने 8 चोटियां अब तक जो है ना सर की हैं, तो इन 8 में से आपका जो है ना ख़तरनाक आपको सबसे ज़्यादा कौन सी लगी, या जहाँ आपको ऐसा लगा हो कि ये मेरा आखिरी सफ़र है? वो गशब-उल-मन है जो पाकिस्तान में एक 8,000 की पीक है, उस पर रस्सी नहीं थी, मौसम बहुत ख़राब था और वो टेक्निकल पहाड़ है, तो मुझे वो, मैंने केटू के फ़ौरन बात किया था, तो मुझे केटू से भी ज़्यादा मुश्किल लगा था। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अब तक का? अभी तक बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्लाह ताला ने, एक मैंने जैसे बोला कि मेरा आराम से, कोई इंजरी नहीं हुई, कोई खराश तक नहीं आई किसी भी पहाड़ पे, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आगे भी मेरी एक्सपेडिशन पे उनको कामयाब बनाए। तो आपको फैमिली सपोर्ट कैसी रही आपकी फैमिली? मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है मेरे, मैं जो अभी वो मेरे हस्बैंड की सपोर्ट की वजह से है, क्योंकि उन्होंने मेरा शुरू से ही बहुत साथ दिया। चलो ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।